नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हम लोग जो गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड जो वीडियोस आप लोग के लिए लाते हैं, जिसमें ज्वेलरी और बुलियन का सारा डिटेल देते हैं और बताते हैं कि कैसे आपको बिजनेस करना है गोल्ड ज्वेलरी का, या कब आपको ज्वेलरी खरीदना आपके लिए अच्छा रहेगा, या कब आप ज्वेलरी को बेचें, या कब बुलियन खरीदें, या कब बुलियन बेचें, ताकि आपका बिजनेस चलता रहे। देखिए, जैसा आप हेडिंग में देख रहे हैं कि होली पर सोने की खरीदारी का सुनहरा मौका और लगातार पांचवें दिन सोना सस्ता हुआ। यानी आपने देखा था पिछले वीक में लगभग सोना का जो रेट था काफ़ी पिक पे था और हाई वॉल्यूम पर पहुँच गया था। मगर अभी अगर आप होली के मौके पर गहना खरीदना चाहें या सोना खरीदना चाहें, तो आज देखिए सप्ताह का दूसरा दिन है, मंगलवार, और इस प्राइस में काफ़ी गिरावट हुआ है सोने और चांदी में। सोना जो है वो अपने रेट पिछले दिन के रेट से नीचे आके 52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पे चल रहा है 24 कैरेट का। और चांदी जो है देखिए 68,000 रुपये के नीचे आ गया है। यानी एक किलो चांदी का जो कीमत है वो 68,000 रुपये है पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार को के मुकाबले। आज सोना जो है 397 रुपीज़ प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ, और चांदी जो है 1,065 रुपये प्रति किलो सस्ता हुआ। ये जो रेट है ये IBGA का रेट है, यानी इंडियन बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन का जो रेट है जो आता है, उसके अनुसार ही हम लोगों ने आपको जो है वो रेट के ऊपर जो चीज़ें बताई है। आइए अब देखते हैं कि जो सिटी वाइज है कि क्या गोल्ड का रेट है और कैसा रहा मार्केट। हमारे खासकर हम लोग जो मेन MOP4 मेट्रोपॉलिटन है उसके बारे में बताते हैं। तो दिल्ली में देखिए 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस रहा 47,600 रुपीज़, और 24 कैरेट का रहा 51,930 रुपीज़। सिल्वर का जो प्राइस रहा वो रहा 69,000 रुपीज़ पर केजी। मुंबई की अगर आप बात करते हैं तो मुंबई का जो प्राइस रहा 22 कैरेट गोल्ड का 47,600 रुपीज़, और 24 कैरेट गोल्ड का 51,930 रुपीज़, और सिल्वर का जो प्राइस रहा 69,000 रुपीज़ रहा। अगर आप तीसरे शहर कोलकाता की बात करते हैं महानगर में, तो 22 कैरेट का देखिए 47,600, 24 कैरेट का 51,930 रुपीज़, और 1 kg सिल्वर का 69,000 रुपीज़। अगर आप चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई में देखिए 22 कैरेट गोल्ड का जो प्राइस है 48,190 रुपीज़, 24 कैरेट का 52,570 रुपीज़, और सिल्वर का जो प्राइस है 72,800 रुपीज़। यानी सबसे महंगा जो है ये चेन्नई में ही रहा। इसके साथ और एक महानगर ही समझिए, अभी दो महानगर लगभग के बराबर टक्कर दे रहे हैं, हैदराबाद और बेंगलोर, तो इनकी भी बात कर लेते हैं। हैदराबाद का प्राइस रहा 22 कैरेट का 47,600 रुपीज़, और 24 कैरेट का रहा 51,930 रुपीज़, और सिल्वर का जो प्राइस रहा 72,800 रुपीज़ केजी। बेंगलोर की बात करते हैं तो बेंगलोर में 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस रहा 47,600 रुपीज़, 24 कैरेट का रहा 51,930 रुपीज़, और सिल्वर का प्राइस रहा 72,080 रुपीज़। ये कुछ मुख्य शहर थे जो हमने बताया आपको कि गोल्ड का प्राइस कैसा रहा। इससे लोगों को मदद मिलती है अपना डिसीजन लेने में और काम करने में। तो आपको भी अगर मान लीजिए गोल्ड या ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, या और भी चीज़ें सीखनी है, या मैन्युफैक्चरर से टाई अप करना है, जो भी गोल्ड से रिलेटेड काम है, अगर आप चाहें तो हम लोगों से टाई अप करके या कंसल्टेंसी लेके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों हमारा ये वीडियो रोज़ ही आएगा लगभग जो वर्किंग डेज है उसमें, और आपको अच्छा लगेगा हमारा वीडियोस देख के।